अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आपको पता है कि हमारी यूके इनोवेटर फाउंडर वीज़ा के ऊपर एक क्वेश्चंस के ऊपर सीरीज़ ऑफ वीडियोस चल रही है, जिसमें हम एक एक क्वेश्चन के ऊपर कोशिश कर रहे हैं छोटी छोटी वीडियोस बना के आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, आपकी हेल्प कर सकें। ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो वक्तन फवक्तन हमसे पूछे जाते हैं, हमने सोचा कि छोटी छोटी वीडियोज़ बना के आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन यूके इनोवेटर फाउंडर वीज़ा के बारे में मुझसे बार बार पूछा गया कि कौन कौन सी ऐसे सेविंग्स हैं या इन्वेस्टमेंट्स हैं या बैंक में आपके पास कुछ डिपॉजिट्स पड़े होते हैं जो एक्सेप्टेबल हैं और जो एक्सेप्टेबल नहीं हैं। देखिए, आपका ऐसा कोई भी बैंक अकाउंट जो रेगुलेटेड है, रेगुलेटेड बॉडी से वो रेगुलेटेड है, वो बैंक अकाउंट आपका एक्सेप्टेबल है। लेकिन जिन लोगों के पास ओवरड्राफ्ट लिमिट है, बिटकॉइंस की सेविंग्स है, स्टॉक्स एंड शेयर्स हैं, पेंशन है और ऐसे बैंक अकाउंट्स जो रेगुलेटेड नहीं हैं, उनकी बैंक स्टेटमेंट्स या उनकी सेविंग्स यूके इनोवेटर फाउंडर वीज़ा में नॉट एक्सेप्टेबल है। तो इस चीज़ को ख़ास तौर पे मद्देनज़र रखें कि आपकी बैंक स्टेटमेंट रेगुलेटेड होनी चाहिए और जो बातें मैंने अभी आपको बताई, जैसे स्टॉक एक्सचेंज, बिटकॉइन सेविंग्स से और आपकी ओवरड्राफ्ट लिमिट्स, पेंशंस, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं हैं। थैंक यू वेरी मच।